पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान अब शांत होता दिख रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों के बीच बयानबाजी बंद हो गई है और अब दोनों ही खेमे एक दूसरे पर तंज कसने की जगह विपक्ष को निशाने पर लेने लगे हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक बार फिर किसानों के प्रति कांग्रेस का समर्थन दोहराते हुए अकाली दल पर जमकर निशाना साधा। पंजाब में कृषि कानून सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। हर दल किसानों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में है। कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी उठापटक समाप्त होने के बाद अब पार्टी किसानों के पक्ष में खुलकर आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि कृषि कानून अकालियों द्वारा बनाए गए हैं। अकाली दल ही केंद्र के पास कृषि कानून का प्रस्ताव लेकर गयी। पहले इन्हें अकालियों की सरकार ने पंजाब में लागू किया और बाद में केंद्र में इसे लागू किया गया। सिद्धू ने कहा कि तीन कृषि कानूनों की नींव अकाली दल के बादल परिवार ने रखी थी, उसी वजह से आज किसान परेशान हैं और 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सिद्धू ने आगे कहा कि बादल सरकार जो एक्ट विधानसभा में लाई थी उसमें MSP का जिक्र ही नहीं था, किसानों के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं था, जमीन को लेकर भी दिक्कत थी। ये एक्ट पहले पंजाब की बादल सरकार लाई थी और इसी एक्ट को हूबहू केंद्र में लागू कर दिया गया। उसी समय अकाली दल भी NDA का ही हिस्सा थी। सिद्धू ने आरोप लगाया कि कृषि कानूनों के जरिए किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। सिद्धू ने पंजाब की पूर्व अकाली सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर आज उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि सिद्धू खेमा भी अब अमरिंदर सिंह के साथ चलने को तैयार है। TV लाइव की रिपोर्ट।